दोस्तों काफी एक्साइटेड मैं एक्साइटमेंट के साथ मैं इस वीडियो के साथ आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर या ऐसी वेबसाइट की जानकारी देने जा रहा हूँ जहाँ पे हमें कीबोर्ड का यूज किए बगैर, यानी आप जो है कीबोर्ड का यूज ना करते हुए वॉइस के थ्रू कंप्यूटर में डेटा को लोड कर सकते हैं। यानी आप जो बोलेंगे वो कंप्यूटर में आपको टाइप होता हुआ दिखाई देने लगेगा। वो चीजें हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, इस वेबसाइट के थ्रू जानेंगे जिसे हम बोलेंगे डिटेक्शन, यानी डिटेक्ट करना। हमें जो डिटेक्ट किया जाता है, जो हम बोलते हैं वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टाइप करेगा तो किस तरीके से टाइप होता है, उसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहे ताकि आप जो है टेक्नोलॉजी की खास इन्फॉर्मेशन से मिस ना हो सके आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो है कौन सी साइट और उसे किस तरीके से चलाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंफोटेक हब। इंफोटेक हब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें और मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती है और नई नई टेक्नोलॉजी की नई नई इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा कि एक ऐसी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको कुछ टाइप नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना है यानी डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने से होगा ये कि ये जो वेबसाइट पे आपका डाटा जो है टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो किस तरीके से टाइप होना शुरू होगा और वो वेबसाइट कौन सी है, वेबसाइट का नाम है detection.io। detection.io की अगर बात की जाए, अबाउट पे जाकर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अमित अग्रवाल जी है जिन्होंने ये वेबसाइट को बनाया है, जिनके ज़रिए ये वेबसाइट यानी वॉइस रिकॉग्नाइजर नाम की ये साइट है ब्राउज़र के थ्रू वर्किंग करती है। अब अगर हम इसको वर्किंग में लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे स्टार्ट डिटेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट डिटेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में होगा ये कि जैसा कि हमारा पहला पेज स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर हमने एंटर प्रेस किया। अब प्रेस करने के बाद में जब हम स्टार्ट डिटेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम दूसरे ब्राउज़र में ओपन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है वर्क। यहाँ पे हम एक नया ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने से होगा ये कि कुछ देर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद में आपका जो पेज है उस वेबसाइट का वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। सेटिंग करने के लिए आपको जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे, वो ऑप्शन पे आपको वर्क करना है। वो किस तरीके से करना है देखिए, यहाँ पे आपका जो ये साइट है इस तरीके से ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका जो साइट है इस तरीके से है, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें, गूगल क्रोम में ही ये वेबसाइट चलती है, दूसरे ब्राउज़र में जो है वर्क नहीं कर पाती क्योंकि उसके अंदर में वो सपोर्ट फाइल नहीं है। गूगल क्रोम में हमने देखा कि इस तरीके से हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में जब हम स्टार्ट डिक्शन बटन पे जाते हैं, यहाँ पे हमने नीचे में जो बटन दिया गया है यहाँ से हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है कि हमको जो लैंग्वेज लेनी है। यहाँ पे दिया गया है कि हमको जो है इंडियन एसेंट लैंग्वेज लेनी है, यानी इंडिया की जो इंग्लिश भाषा है वो हमें सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश लिया और इंग्लिश के अंदर में हमने यहाँ पर इंडिया लिया, इंग्लिश इंडिया लिया। वैसे उसी तरीके से हिंदी भी इसके अंदर में अवेलेबल है। यहाँ पे हमने हिंदी क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में स्टार्ट डिटेक्शन ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। देखिए जो अब हम बोलेंगे वो सारा का सारा डिटेक्ट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो सभी यहाँ टाइप हो रहा है। आप हर लैंग्वेज में यहाँ टाइप कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि इसके अंदर में जो जिसको हम सर्च इंजन भी बोल सकते हैं या उसके अंदर में जो फिल्टर जो लगे गए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छे हैं। उस फिल्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। अब जो है हम इसे यहाँ से कॉपी कर कंट्रोल ए और कंट्रोल सी हमने किया वहाँ पे, और हम जो है इसे मिनिमाइज कर जो है वर्ड में अगर हम टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे एमएस वर्ड लिख लेते हैं। आपका वर्ड इस तरीके से स्टार्ट हुआ। कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया, यहाँ पे आपका जो डाटा है वो टाइप हो चुका है, यानी जो आपने वहाँ से टाइप किया था वो सारा डाटा यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। इस तरीके से वर्क होता है। अब अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करते हैं, जैसा एग्जांपल के तौर पे हमने लिया इंग्लिश और इंग्लिश में लिया हमने इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे स्टार्ट डिटेक्शन, व्हाट इज़ योर नेम,
दिस इज द इन्फोटेक हब चैनल यूट्यूब चैनल. टुडे वी लर्न द इंग्लिश स्पोकन क्लासेस. दिस इज माई जॉब. थैंक यू वेरी मच. इसे इतना लिखने के बाद में हमें यहाँ पे क्लियर करना है. क्लियर करने के बाद में अगर हम यहाँ दूसरी चीज़ टाइप करते हैं एग्जाम्पल कहते हैं तो वॉट इज योर नेम, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है. वॉट इज योर नेम, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा. यहाँ पे हमने टाइप कर लेना है. जैसा कि हम इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं. रिफ्रेश करने से होगा ये कि आपका जो जो भी डाटा यानी ब्राउजर में जमा है वो डिलीट होगा और नया डाटा यहाँ पे लॉन्च होगा. रिफ्रेश होने तक हमें रुक जाना है. जैसा कि यहाँ पे हम यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं. नए ब्राउज़र में इंग्लिश लिया है हमने और स्टार्ट डिटेक्शन बटन पे क्लिक कर दिया. पहले इसे हम क्लियर कर लेते हैं. स्टार्ट डिटेक्शन. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरीके से हो सकता है. तो उसके लिए आपको सिर्फ इसे रिफ्रेश करना है और जो दूसरे ब्राउज़र में अगर चल रहा है उसे पहले बंद कर दे, क्योंकि एक से ज़्यादा ब्राउज़र में अगर वो काम करेगा तो आपको इशू आ सकता है. वैसे हमारा यहाँ इंटरनेट बंद हुआ था इसलिए ये इशू आ रहा था. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब. इसी तरीके से हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और क्लियर भी कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब. इन्फोटेक हब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ सके और इस टेक्नोलॉजी की खास खबरें आप तक पहुँच सके. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू. यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में सेव हो जाता है. कॉपी अगर हमें करना है तो कॉपी बटन पर क्लिक करके यहाँ पे हमने राइट क्लिक करके पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है. तो जो आपने टाइप किया था वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा. तो थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू. वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू वेरी मच.